दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुनील पाल और आप देख रहे हैं ये पीवीआर का हॉल। अब हर हाल में और हर हाल में सिनेमा लगेगा, क्योंकि जो सिनेमा हमारे सिनेमा था उस सीने से बाहर निकल गया और पीवीआर थिएटर में मैं यहाँ पर फिल्म एंजॉय करने आया हूँ और एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च हो रहा है उसको भी उस खुशी में आया हूँ। तो थिएटर जो है खुल गया है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि 2 साल तक हमने सिर्फ ऑपरेशन थिएटर देखा था। ऐसा घुमाओ जरा थिएटर, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना पॉजिटिव फील आ रहा है। खूबसूरत हॉल है, आइए बाहर चलते हैं। बड़ा पॉजिटिव फील आ रहा है थिएटर के अंदर और सबको मुबारक हो, और फिल्म वालों, एक्टर को, फिल्म के चाहने वालों को मुबारक हो। अपना मुंह बाहर रखो, कोई टेंशन नहीं, आप बिंदास मुंह बाहर रख सकते हो, आप जा सकते हो। मास्क भी पहनो और अगर नहीं भी पहना तो बोले सतर्कता, लेकिन मुंह बाहर रखो। शुभकामनाएं, शुभकामना सब, और फिर दिखाओ किस तरह से। बाईस तारीख को सिनेमा हॉल खुला, तो बाइस्कोप के मंदिर यानी पीवीआर में मैं ऑडिटोरियम में आपको मिल चुका हूँ, अपनी खुशी जाहिर कर चुका हूँ। और अब मैं इस वक्त हूँ सभागृह में, यानी कि ऑडिटोरियम में, यानी कि रंगारंग कार्यक्रम जिस थिएटर में होते हैं उसमें, यानी हॉल में। सिनेमा हॉल भी खुल चुका है, थिएटर हॉल भी खुल चुका है, यानी कि अब हर हाल में शो होगा, हर हॉल में सिनेमा लगेगा और हर हाल में हम उसे देखेंगे, चाहे हर हॉल हो या हर हाल हो। आइए आगे का दर्शन कराता हूँ। लिफ्ट बहुत से कंपनी भी बंद थी, मैंने ऊपर से कहा था कि हमको तू लिफ्ट करा दे, हमको भी तू लिफ्ट करा दे। और लिफ्ट आ रही है, हम जा रहे हैं ऑडिटोरियम में, मिलते हैं ऑडिटोरियम में। ओपन हो गया है और हॉल ओपन होने की वजह से आप सबका मैं ओपन हार्ट से स्वागत करता हूं और इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करता हूं। लॉकडाउन के बाद पहली बार इवेंट हो रहा है, अरे हाँ तो निकल के देखिए, केशव जी के नाम को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि केशव जी एंटरटेनमेंट में हमारे फादर फिगर है और वार साहब के पिताजी का नाम है केशव। क्या इतना फायदे दिखी कि केशव जी के हॉल में केशव जी का कार्यक्रम हो रहा है इसको, और लॉकडाउन के बाद पहली बार हो रहा है और मुझे कुछ इस तरह का मौका मिल रहा है केशव जी का। ऐसे ही फीलिंग आ रही है, ओपन होने पर मैं ओपन हार्ट ही आपको स्वागत करता हूँ। भाई अभी अगर बात करें उसके बारे में, अनन्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनन्या पांडे के बारे में बात करूंगा मैं, चक्की पांडे से पूछ के थोड़ा, चक्की पांडे का ही डायलॉग के साथ देखिए क्या है उसकी आंखों में दशा है, मुझे पहले से पता था उसकी आंखों में देखेगी उसका कोई दशा तो है। बहुत अच्छा लग रहा है, थिएटर खुल गया, इससे मुझे लग रहा है कि बड़ी बड़ी जिंदगी आने वाली है, पूरे फैमिली से जुड़ने वाला है और बल्कि सक्सेसफुल गया। हाँ हाँ, एक कलाकार के लिए और कला प्रेमियों के लिए कहूंगा कि मुबारक हो, आप घबराओ नहीं, अपना मुंह हमेशा बाहर रखो, मुबारक हो, मुबारक। ना ये सर नाना पाटेकर के बाद में अनन्या पांडे को पकड़ लिया है, क्या कहना चाहेंगे? लिए कुछ पहुंचे अनन्या को ना पकड़ो, क्योंकि वो अभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर है। देखो स्टूडेंट्स को कुछ छूट होनी चाहिए, वो बाद में बात करूंगा। वो अपनी भाई थी, उस फिल्म का म्यूजिक नितिन दा ने दिया था, हालांकि आजकल तो मुंबई से गोवा जाना जरा थोड़ा टेंशन है, वानखेड़े सब रोक रहे हैं,
ये वन खड़े वो वन खड़े जो मेरे प्रोग्राम